सो गाइज देख सकते हो गाइज, जैसे मैं यहाँ पे जियो की सिम यूज़ करते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे डाटा ख़त्म हो जाता है गाइज। मैं यूज़ नहीं करता हूँ तब भी वो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। और बाय द वे हम यूज़ भी कर लेता हूँ तो गाइज यूज़ से पहले वो ख़त्म मिलता है मुझको, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न हूँ किस तरीके से वो डाटा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और किस तरीके से वो यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाता है गाइज। तो गाइज कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट हो जाता है गाइज, लेकिन हमारा यहाँ पे डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि हम अपने डाटे को यहाँ पे बचाना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हो गाइज? अगर आप लोग भी अपने ये जियो की सिम यूज़ करते हो और वहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा आपका ख़त्म हो जाता है, तो गाइज आप लोग किस तरीके से ये नियम को फॉलो करके आप लोग ये प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो गाइज? सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग यही बताने वाला हूँ कि जियो का डाटा किस तरीके से बचाया जाता है गाइज। सो गाइज ज़्यादा टाइम गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। सो गाइज सबसे पहले गाइज आप लोग, हमने 5 सेटिंग बताएंगे, 5 सेटिंग से आप लोग नियम को फॉलो करोगे तो गाइज 100% आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगी गाइज। अगर आपकी यहाँ पे 100% उसके बाद आप लोग कभी उसके बाद कभी भी आपको परेशानी आने वाली नहीं है। बाय द वे अगर आ भी जाएगी तो गाइस वो सेटिंग आप लोग नियम को सुनते रहना और देखते रहना, तो गाइस आप लोग नियम से काम करते रहना, तो गाइस आप लोगों को जल्दी से ठीक हो जाएगी गाइस। उसके बाद सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना, आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर को एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। उसके बाद आप लोग देख सकते हो गाइस राइट हैंड साइड में प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। उसके बाद देन आप लोग को सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जब सेटिंग पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। उसके बाद आप लोग क्या करना, आप लोग नेटवर्क पे क्लिक कर लेना। देख सकते हो गाइस यहाँ पे दूसरे नंबर पे लेना। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस ऑटो डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे 3 सेटिंग आ चुकी हैं, जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली और आस्क मी वेरी टाइम। तो गाइस आप लोग सबसे नीचे आ जाना, आस्क मी पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपके ऐप अपडेट होते हैं यानी कि डाउनलोड हो जाते हैं गाइस वहाँ पे यहाँ पे बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को डन पे क्लिक कर लेना। उसी से हम नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखना ऑटो अपडेट ऐप, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग 3 सेटिंग आ चुकी हैं गाइस। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाना, डोंट ऑटो पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप लोग इसको भी डोंट डन कर देना और नीचे आ जाना। यहाँ से देख सकते हो गाइस ऑटो प्ले वीडियो, इस पर क्लिक कर लेना है। ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 सेटिंग आ चुके हैं, ऑटो प्ले वीडियो और यहाँ पे देख सकते हो ऑटो प्ले वीडियो और यहाँ पे देख डोंट ऑटो प्ले वीडियो। तो गाइस नीचे साइड सबसे थर्ड पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड सेटिंग पे क्लिक कर लेना। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। देन डन पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोग फिर से इस पर प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। मैनेज एंड डिवाइस पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। उसके बाद आप लोगों को अपडेट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो अपडेट आल पे और यहाँ पे सी डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो गाइस जो भी इंटरफेस आ जाता है यहाँ पे शो हो जाता है गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रही है। अगर आप लोग ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रही है तो गाइस आप लोग यहाँ पे इस पर स्टॉप कर देना। यहाँ से देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया है। तो गाइस देख सकते हो गाइस यहाँ पे अभी स्टॉप हो जाएगा, देख सकते हो जाए। तो अगर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं तो उसको बंद कर देना है। उसके बाद आप लोग ये पहली सेटिंग हो गई, उसके बाद आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। देन मिनिमाइज़ करोगे तो गाइस आप लोग क्या करना, आप लोग अपने उसके बाद आपको व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। चलिए गाइस यहाँ पे व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। देन व्हाट्सअप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद राइट हैंड साइड में 3 डॉट मिलते हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। यहाँ पे देखना स्टोरेज एंड डाटा, इस पर क्लिक कर लेना है। स्टोरेज एंड डाटा पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोडिंग यहाँ पे क्लिक आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो 3 सेटिंग आ चुकी है गाइस। उसके बाद यहाँ पे देखना व्हेन यूज़ मोबाइल डाटा, इस पर क्लिक करोगे तो गाइस अगर आपका यहाँ पे इस तरीके को ऑन है ये तो इसको यहाँ पे ऑफ़ कर देना। देख सकते हो गाइस इसको बंद कर देना। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेना। इसी तरीके नीचे वाला आ जाता है व्हेन कोडेंट ऑन वाईफाई, इस पर क्लिक कर लेना है और इसको भी यहाँ पे इस तरीके को ऑफ कर देना। देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद अभी ओके क्लिक कर लेना है। उसके बाद व्हेन रोमिंग, इस पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर आपका इस तरीके ऑन है तो इसको भी ऑफ कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ओके पे क्लिक कर लेना है। तो गाइस मैंने आप लोगों को 2 सेटिंग बता दी, इसी तरीके आप लोगों को हम तीसरी सेटिंग बताने जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग अपने यहाँ पे देख लेना, अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लिया, उसके आपको यहाँ पे सर्च बारे में टाइप करना है गूगल फोटोज़। चलिए गाइस यहाँ पे गूगल फोटोज़ टाइप कर देते हैं।
तो गाइस मैंने गूगल फोटोज टाइप कर दिया, उसे सर्च कर लेते। सर्च करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस हर एक फ़ोन में यह वाली एप्लीकेशन मिल जाती है गाइस। तो गाइस आपको इस पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस देख सकते हो गाइस हमें गूगल फोटोज मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है गाइस। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। देन ओपन पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। उसके बाद राइट हैंड साइड में प्रोफाइल है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे कई सारी सेटिंग आ चुकी है गाइस। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख लो फोटो सेटिंग, इस पर क्लिक कर लेना है। फोटो सेटिंग पे क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख लो हाई वीडियो फ्रॉम मोशन फोटोज, इस पर यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे ऑन है। तो गाइस इस तरीके का अगर आपका यहाँ पे ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोगों को हमने बता दी आपको तीसरी सेटिंग। अब आप लोग चौथी सेटिंग सेटिंग पे आ जाना। चलिए गाइस इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोगों को फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर ऐप अपडेट लिख लेना है अपने सर्च बार में। चलिए गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट लिख लेते हैं या फिर ऐप अपडेट लिख दे। चलिए गाइस जो भी आपके फ़ोन में सेटिंग होती है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपडेट लिख लिया। अपडेट लिखने के बाद आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे अपडेट आ चुका है। उसके बाद आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपडेट लिख लिया। अपडेट लिखने के बाद आप देख सकते हो ऐप अपडेट, इस पर क्लिक कर लेना है। जो भी आपके फ़ोन में अगर ऐप अपडेट के नाम से आता है तो ऐप अपडेट क्लिक कर लेना है। अगर आपके सॉफ्टवेयर के नाम से आता है सॉफ्टवेयर क्लिक कर लेना। फिलहाल मेरे ऐप अपडेट के नाम से आता है तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगर आपके यहाँ पे अपडेट होते तो गाइस उनको यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद पांचवी सेटिंग आ चुकी है। उसके बाद पांचवी सेटिंग को आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। जब यूट्यूब ओपन करोगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखना ये लेबोरेटरी, इस पर क्लिक कर लेना है। लेबोरेटरी पर क्लिक करोगे तो गाइस आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके कभी कभी यहाँ पे डाउनलोड हो जाते हैं। तो उसके आपको बंद करने के लिए आप तो थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। देन सेटिंग पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली, इसकी यहाँ पे ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देना है। इसी तरीके यहाँ पे नीचे देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखने मिल रहा है इसको भी यहाँ पे ऑफ़ कर देना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया गाइस। जो भी आपके वो वीडियो होते हैं यूट्यूब के वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड नहीं होंगे गाइस। ठीक है गाइस। सो गाइस आप लोग इस तरीके से आप लोग पांचवी सेटिंग को यूज़ करके फॉलो करके आप लोग अपना जियो का डाटा अपना बचा सकते हो गाइस। सो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।